हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैंगो शेक। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंगो शेक। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का मैंगो लिया, बिल्कुल पका हुआ मैंगो है। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। इसका मैंने एक साइड से इसको कट कर लिया और ये मैंने थोड़े थोड़े इसमें कट लगा दिए। इससे क्या होगा, इससे बहुत ईजीली इसके पल्प निकल जाएगा। अगर आप चाहे तो छिलका हटा के वैसे भी कट कर सकते हैं। ये आसान तरीका मैंने इसीलिए आपको दिखाया है। इस तरह से देखिए, मैंने सारा पल्प निकाल लिया है आम का, और वो हम एक मिक्सी जार लेंगे, इसके अंदर इसको डाल लेंगे और इसी के साथ हम चीनी भी ऐड कर लेंगे। मैंने 5 से 6 टेबल स्पून चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपका आम ज़्यादा मीठा है तो आप कम चीनी का यूज़ कर लें। और यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है, ये नॉर्मल घर वाला दूध है। और अब हम इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। देखिए, मैंने इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लिया। और अब हम एक ग्लास लेंगे। यहाँ पे मैंने मैंगो का थोड़ा सा पल्प लेके उसका पेस्ट बना लिया और इसको इससे थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देंगे। इसमें हम जब मैंगो शेक पोर करेंगे तो ये थोड़ा दिखने में बहुत सुंदर सा लगेगा। चारों तरफ ग्लास के इसको डाल दिया और अब हम इसमें मैंगो शेक पोर कर लेंगे। तो देखिए, हमारा मैंगो शेक रेडी हो गया बनके। और अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। गार्निश के लिए यहाँ पे मेरे पास आइसक्रीम थी तो मैंने इसमें आइसक्रीम डाल ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास आइसक्रीम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। और उसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉप कर लिया था, मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर लिए। आपके पास अगर चेरी है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे भी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैंगो शेक बनके रेडी है। देखिए, दिखने में भी और पीने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।